हेलो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट वर्कशीट है अपनी 80 नंबर। कॉम्पिटेटिव ये यूजेज सिंपल फ्यूचर टेंस अप्रोप्रिएटली। आपको सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग करना है। राइट सेंटेंसेज फ्रॉम गिवन टेबल। नीचे एक टेबल दी गई है, उनको सेंटेंस लिखने हैं आपको सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग करते हुए यूजिंग। अब देखो अभी यहाँ पर कर्ता दिया हुआ है, ही सी आई दे प्रतिमा वी रजनी कंचन यू पल्लवी। अब यहाँ पर क्या है, अभी विल सेल का प्रयोग करना है आपको इन कर्ताओं के साथ में। इन दोनों में से एक का प्रयोग करना है। आई और वी के साथ तो सेल आएगा और सभी के साथ क्या आएगा, अभी विल आएगा। अब इनमें से प्ले क्रिकेट, राइट ए स्टोरी, वॉच ए मूवी, वाटर द प्लांट्स, डांस इन द पार्टी, गो टू जयपुर, सिंग ए सॉन्ग, ड्राइव ए कार, ये है यहाँ पर क्या अभी टाइम दिया हुआ है। आप यहाँ पर देखो अभी ही का प्रयोग करोगे, हो सकता है आप इनमें से तो एक का प्रयोग करें, इनमें से आप किसी को यूज कर सकते हो और इनमें से भी आप किसी का यूज कर सकते हो। जैसे ही विल प्ले क्रिकेट टुमारो, वह कल क्रिकेट खेलेगा, ये बात भी सही है। ही विल राइट ए स्टोरी नेक्स्ट डे, अगले दिन वह कहानी लिखेगा, ये भी सही है। ही विल वॉच ए मूवी नेक्स्ट मंथ, हो सकता है वॉच ए मूवी नेक्स्ट संडे, हो सकता है ही विल वॉच ए मूवी टुमारो। जो भी आपको लिखना हो इनमें से किसी का प्रयोग कर सकते हो, इनमें भी किसी का प्रयोग कर सकते हो। इनमें से आपको एक कर्ता उठाना है, उन दोनों में से आपको एक हेल्पिंग लेनी है आपको। जैसे ही के साथ में क्या ले लिया, अभी हमने विल ले लिया, फिर प्ले क्रिकेट ले लो या राइट ए स्टोरी ले लो या वॉच ए मूवी ले लो या वॉटर द प्लांट्स ले लो, जो भी मर्जी हो आपको यहाँ से आप वर्ब प्लस में ऑब्जेक्ट ले लो और फिर इनमें से आप एक टाइम ले लो, यहाँ पर लिखना है जो भी मर्जी हो, परंतु तो यहाँ पर से एक कर्ता लेना है, यहाँ दोनों में से एक हेल्पिंग वर्ब लेनी है और इस प्रकार लिखना है। जैसे यहाँ पर लास्ट में देख सकते हो आप क्या दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर यू है, वी के साथ हम क्या यूज करेंगे, वी सेल, वी सेल गो टू जयपुर नेक्स्ट ईयर, अगले ईयर हम जयपुर जाएंगे। आप लिख सकते हो वी सेल सिंग ए सॉन्ग इन द एनुअल फंक्शन, हम एनुअल फंक्शन में गाना गाएंगे, कोई भी लिख सकते हो। इनमें से कोई यूज एक यूज करना है, इनमें से आपको एक यूज करना है, इनमें से भी एक यूज करना है, इनको आप एक लेना है, जो भी आपकी मर्जी हो। इनको ध्यान रखना, आई और वी के साथ सेल आएगा और सभी के साथ में क्या आएगा भी। अच्छा लगा हो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वर्कशीट है अपनी 81 नंबर। कॉम्पिटेंसी है राइट सिंपल सेंटेंस अबाउट द पिक्चर ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पर कुछ पिक्चर दी गई हैं, उनको देख कर आपको कुछ सेंटेंस लिखने हैं। गिवन बिलो इज ए पिक्चर स्टोरी, यहाँ पर एक बस पिक्चर कहानी दी गई है। राइट द करेक्ट सिक्वेंस, आपको इनको क्रम लिखना है सही तरीके से। नंबर ऑफ द सीन, कि पहले कौन सा सीन आया, बाद में कौन सा सीन आया। एंड सेंटेंस अबाउट द सीन, और आपको एक एक सेंटेंस भी लिखना है। जैसे यहाँ पर एक व्यक्ति है कुत्ते को लेके जा रहा है रस्सी पकड़े हुए, और यहाँ पर क्या है अभी एक कुत्ता एक बिल्ली का पीछा कर रहा है, एक पेड़ है उसके चारों तरफ बिल्ली भाग रही है, कुत्ता भी भाग रहा है, और रस्सी है उस आदमी ने पकड़ रखी है छोड़ी नहीं है, तो रस्सी भी उस आदमी के चारों तरफ लिपटी जा रही है। यहाँ पर देखो भी एक कुत्ता है वो बिल्ली को देखता है और उसके पीछे दौड़ता है, आदमी भी उसके पीछे पीछे भागता है, और यहाँ पर क्या है अभी बिल्ली है वो पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है और डॉग नीचे रह जाता है, आदमी क्या अभी पेड़ के बंध जाता है। तो इस प्रकार नहीं है, पहला एक नंबर पर यह आएगी, दो नंबर पर यह आएगी कि कुत्ते ने बिल्ली देखा पीछे भागा, तीन नंबर पर यह आएगी और चार नंबर पर यह आएगी। इसमें लिखोगे आप ए मैन इज गोइंग, एक आदमी जा रहा है विद हिज डॉग अपने कुत्ते के साथ में ऑन वॉक घूमने के लिए। आगे आप वो लिख सकते हो टाइंग ए रोप, रस्सी को पकड़े हुए या बांधे हुए। अगला सेंटेंस लिखोगे आप द डॉग इज रनिंग आफ्टर द कैट, कुत्ता है वो बिल्ली के पीछे भाग रहा है। द डॉग इज रनिंग, कुत्ता है वो दौड़ रहा है आफ्टर द कैट, बिल्ली के पीछे। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि द डॉग कुत्ते ने शा फर्स्ट फॉर्म यूज करो आप सी या सा देखा, एक कैट एक बिल्ली को देखा, एंड रेन दौड़ा आफ्टर इट, इसके पीछे दौड़ा, आप ये भी लिख सकते हो। अब यहां पर क्या है अभी अगला सेंटेंस है When the cat started to run, the बिल्ली दौड़ना आरंभ हुई around the pole या tree, पेड़ के चारों तरफ, the man is tied with the rope of the dog,
आदमी है वो कुत्ते की जो रस्सी उसे बंध गया। अब आगे ये लिख सकते, द कैट क्लाइम्ड अप, बिल्ली ऊपर चढ़ गई ऑन द ट्री, पेड़ के ऊपर, बट मैन इज टाइड विद द रोप ऑफ इज डॉग, पर तो आदमी है वो कुत्ते की रस्सी के द्वारा बंध गया। इस प्रकार आप लिख सकते हो। धन्यवाद।